बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक उनके बीच में महादेव का और अद्भुत ऊर्जा पुराने समय की घंटी है। रात को इतनी तेज बारिश और आप मौसम देख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ शीशे लगे हुए जाली एक जगह है बीच और इतनी तेज बादल फटा, मतलब ऐसे बादल फटाए, बादल के गरजने की आवाज़ आई, मैं तो डर गया उनका कहीं बादल फटेगा। बहुत जबरदस्त ऋषिकेश में जैसी आती है उससे भी डबल बहुत बारिश हुई है। मैं मॉर्निंग वॉक भी कर रही, नहा धो के तैयार होके मुझे रिप्ति बाहर जाती हुई मिली, तो मैं मॉर्निंग वॉक करके आई। इतने काफल के पेड़ पूछो मत। ये रेनू जी तैयार होके खड़ी है और वो सब फोटो सेशन चल रहा है। भाई साहब कितने बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करके आए आप लोग? 5 बजे चले गए। उधर हम गए, बहुत काफल के पेड़ लगे हुए हैं। ये कितने बड़े बड़े डालिया के फूल लग रहे हैं। देखो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पता क्या है, एक तो वैसे ही ब्यूटी होती है, ऊपर से ये लोग फूल बड़े कलरफुल लगाते हैं घरों में भी। देखो रिक्ति बना के लाई है नारियल और मखाने की बर्फी, जन्माष्टमी बनाते हैं। आलू की सब्जी पूरी। पहले ये जो फोग थी ना ऊपर गई सूरज की वजह से, अभी ये वापस अभी भी ऊपर ही जा रही है। देखो ऊपर जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने सबने बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगा ली हैं कि बिंदी लगा के चलेंगे। वैसे तो मैं छोटी तो लगाती हूँ पर सब अच्छे लग रहे हैं आज। बढ़िया बढ़िया, ये हमारी हीरोइनें जा रही हैं, देखिए ये देखो कितनी प्यारी प्यारी शेप दी, शेप है ऑलरेडी। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अपने सामने आ जागेश्वर धाम जाएंगे और उसके बाद धारचूला के लिए निकलेंगे। धारचूला में बोल रहे हैं कि ऋषिकेश जैसा प्लेन एरिया है वैसे ही सेम हाइट पे है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, कल मिलेगी एक्सट्रीम सर्दी। ये देखो अनार के पेड़ है, अनार लगे हुए हैं। इसमें से नज़र जाते वक्त थोड़ी सी जागेश्वर धाम के लिए। इधर से ब्रह्मकुंड है, पहले ब्रह्मकुंड में छींटे मार के या कोई स्नान करते हैं वही गर्म पानी का, फिर जागेश्वर धाम जाएं, फिर ये कुबेर जी का मंदिर है, यहाँ पे आना। हर किसी जैसे बद्रीनाथ जी हैं और एक दो जगह हैं जहाँ पे तप्त कुंड हमेशा आपको मिलेगा, तो यहाँ पे ब्रह्मकुंड है। हीरा, अरे वाह कितना प्यारा कुंड है, कितना साफ सुथरा जल है एकदम। और देखो कुंड भी बना उस तरीके से हुआ है, फिर थोड़ा थोड़ा जा रहा है। मेरे बहुत दिनों की वो थी जागेश्वर धाम की, आज वो संपन्न हो रही है इच्छा। जब से सुना था तो मैं ऐसे कर रहा था कि वहाँ जरूर जाऊँ। यहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए गोप्रो वगैरह से कैमरे से 25 रुपये लिए गए, फोन से अलाउड है। पुराने समय की घंटी है, पूरा मैप दिया गया है परिक्रमा उसका। सामने आते ही बटुक भैरव जी का मंदिर है और इधर से हम पहले मंदिर की परिक्रमा करनी होती है शायद, फिर जाके बताया जाता है कि जागेश्वर धाम ने रावण ने भी तपस्या की। कुल 108 मंदिर हैं, छोटे छोटे शिवलिंग का, हाँ 108 शिवलिंग का ये मंदिर है। और पिंडदान कराया जा रहा है यहाँ पे। बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक उनके बीच में महादेव का और अद्भुत ऊर्जा
हर जगह शुभ लव कुश, ये लव कुश खुशी, हाँ लकुलीश, लकुलीश मंदिर है ये, 108 शिवलिंग का ये मंदिर है। यहाँ भी घर बनाए हुए हैं। ये ज्योतिर्लिंग बनाए होंगे, केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। मेन गर्भगृह में तो अलाउड नहीं है फोटो, नंदा देवी और करनाथ देवी कमल होते हैं पर अभी शायद है नहीं, है ना, कमल नहीं, कमल पत्ते लगा रहे सिक्के डालते हैं लोग। अब मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बंद कर रही हूँ। ये है स्वयंभू शिवलिंग है, यहाँ पे वहाँ होती है महामृत्युंजय की जाप की पूजा। टोटल 124 शिवलिंग है और बाकी और अन्य है 108 शिवलिंग है। हाँ, और पहले पांडवों ने इन सब मंदिरों को उसमें बनाया था, लकड़ी के, लकड़ी के उसमें बनाया था। फिर कौन सी उसमें हुई थी, फिर शंकराचार्य आए, हाँ वो किया, और कौन सा राज्य ने उन्होंने फिर ये निर्माण करवाया किया। और पहले सिर्फ शिवलिंग हुआ करते थे, सब आते थे पूजा करते, लेकिन जब मन की मुराद पूरी हो गई तब शंकराचार्य ने इसको बड़ा मंदिर कर दिया। और यहाँ पे माता सती का अंगूठा भी गिरा है, तो वो शक्तिपीठ भी है। ये है शक्तिपीठ पुष्टि महादेवी, यहाँ अंगूठा गिरा था माँ का, तो बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए। एक्चुअली जब हम आए थे तो यहाँ भोग लग रहा था, तो उस टाइम भोग के टाइम हम महामृत्युंजय जो मंदिर है उसी में अंदर रह गए, वहाँ ध्यान किया, अच्छे से बैठ गए, फिर जो मेन ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे गए। यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर है, ये प्राचीनतम मुख्य महामृत्युंजय मंदिर, मेन मंदिर वो भी है जो ज्योतिर्लिंग है। कुबेर जी के मंदिर जा रहे हैं, कुबेर मंदिर समूह जागेश्वर, इनके बाद दर्शन इनके आते हैं जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद। कुबेर मंदिर है, दर्शन हो गए अच्छे से। सामने ब्रह्म कुंड है और इन्हीं के यहीं पे ही कुबेर जी का प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने कुबेर यहाँ पे कुबेर जी को की स्थापना की थी, मतलब बिठाया था, और कुबेर जी यहाँ पे शिवलिंग के रूप में और वो भी ध्यान मुद्रा में है। तो बड़ा आनंद आ गया देख के, कुबेर जी के पास जाना ज़रूरी है। अब चंडी का माँ के मंदिर में चलते हैं। एक्चुअली हम ना बहुत लेट हो गए हैं सब, क्योंकि वहाँ पे ना परमिशन लेनी बहुत मुश्किल हो जाती है, और इसी वो आधा घंटा लेट हो गया था ना। अभी आगे जाना है धारचूला, धारचूला से फिर गुंज नाभि के लिए जान निकलना है, तो वहाँ परमिशन लेनी है कल के लिए। बहुत ही रमणीय स्थल है और बहुत ही ऊर्जा अद्भुत है, क्योंकि प्रकृति का ज़्यादा स्वरूप है ना यहाँ पे। और सामने रेणु और प्रीति जा रहे हैं। चलो भाई, हम निकल चुके हैं धारचूला के लिए, और धारचूला में बोल रहे हैं कि ऋषिकेश जितना ही हाइट पे है तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। और ये आज लाल परी बननी हुई है, कल ये हरी परी बनी हुई थी, रंग छोड़ के घूम रही है ये। परियों के देश की परियों को देखने कहीं और नहीं जाना। ये चॉकलेट हमारी छुटकी ने बनाई है, अरे सच में बहुत अच्छी है ना, अश्विनी ने बनाई है सबसे पीछे, सबसे छोटी ने, और सच में ऐसी लग रही है बाजार की चॉकलेट फेल है ना। टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे यहाँ बहुत सारे। 11 बजे हम निकले हैं, भैया बोल रहे हैं धारचूला यहाँ से 180 किलोमीटर है, 4 से 5 घंटे लगेंगे भैया, 7 घंटे। तू आगे बैठी है, रेड लाइट दिख रहे हुए ना इसलिए। देखो 100 रुपए के काफल खरीद लिया, हाँ ये सही रहेगा। ले खाओ काफल, पीछे पीछे दे, पीछे दे ना सबको, पकड़, ये अच्छे भी है। कितना अच्छा लग रहा है ना, पेड़ों से भरा हुआ, देवदार के पेड़ और ऐसे लगा प्लांटेशन हुई है। ये प्लांटेशन की थी भैया, है ना,
क्योंकि इतने सारे हाँ प्लांटेशन ही हो सकती है ना। बहुत सुंदर इतनी छाया है ना। अब हमारे रेस्ट करने का समय हो गया है। देखो रेनू भी लेट गई है और मैं भी लेट रही हूँ। इस जगह पे जरूर आइए जहाँ पे शिव के साथ पूर्ण प्रकृति का पूर्ण स्वरूप देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक आपको अलग ऊर्जा का अनुभव जरूर होगा। और अब हम आगे की तरफ बढ़ चले हैं। रास्ते में कुछ अलग हुआ, डिफरेंट हुआ रोड की कंडीशन, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो कैसे हर हर महादेव कह रही है, ये देखो इन सबकी हर हर महादेव।